मैं तुम्हें तन्हा छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारा दुख दर्द बांटना चाहता हूं। क्या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती? क्या तुमने अपने दिल से मुझे माफ नहीं किया? मैंने तुमसे कहा था एहतिशाम कि जिस दिन मेरी बेटी को उसकी जिंदगी की सच्ची और हकीकी खुशियां मिल जाएंगी, उसके बाद मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए होगा। जहां तक मेरी तन्हाई की बात है, तुम उसकी फिक्र मत करो। मेरी तन्हाई दूर करने के लिए मेरी बेटी की खुशियां ही काफी। तुम कुछ भूल रही हो तहरीन। तुम्हारी बेटी की खुशियां हम दोनों को एक साथ देखने में। देखो तहरीन, हम मिलकर अपनी बेटी को ये खुशी दे सकते हैं। यकीन जानो, इतना मुश्किल नहीं। सिर्फ एक बार अपने दिल से हाँ कह के देखो। नहीं है तेजा, ये दिल ही तो हाँ नहीं कहता। बहुत इंसाफ पसंद हो गया है, पिछली तमाम बातों का हिसाब मांगता है, जो कि ना मैं दे सकती हूं और ना तू। इसलिए बेहतर है कि इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। और वैसे भी कोई बहुत शिद्दत से तुम्हारे लौट जाने का मुंतजर है। अब तुम्हें चले जाना चाहिए। मुझे रोक लो तेरी, खुशियां बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। क्यों अपने और मेरे दरमियान फासलों की लकीर खींचना चाहती हो तुम? मैं तुमसे वफा तो नहीं निभा सकी है तिशा, कम से कम मुझे नायला से वादा तो निभा लेने दो। मेरे नजदीक ऐसे वादे, ऐसी कसम की कोई अहमियत नहीं है। मगर मेरे लिए है। ये मेरी प्रेस्टीज और नायला की जिंदगी और मौत का मामला है। इसे कोई मामूली बात मत समझो। इसलिए चले जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा बहुत शिद्दत से तुम्हारे मुंतजर है। मात खाई है यूं मुकद्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना, जिसकी खातिर मिटा दिया खुद को, उसको हमसे रहे गिले जाना। वापस आ गए? तुम्हारे सामने खड़ा हूं एक हकीकत की तरह। चाहो तो छू के देख लो। छू कर देखिए कौन कितना अपना होता है, कितना बड़ा होता है। किसी के वजूद को छू लेने से पता नहीं चलता, ये तो आंखें बताती हैं, उनमें जागते हुए एहसास साथ बताते हैं।
अपनी आंखों से पूछा कितने दिन हो गए मुझे कलाम तक नहीं किया, मुझसे मत चुराओ, मुझसे मत चुराओ, बोलो बताओ बताओ मुझे क्या जानना चाहती हो। हमेशा के लिए आ गए, अब तो वापस लौट कर नहीं जाओगे, बताओ मुझे हमेशा के लिए आ गए। मात खाई है यूं मुकद्दर से न मिले प्यार के सिले जाना जिसकी खातिर मिटा दिया खुद को उसको हमसे रहे गिले जाना। काश बढ़ते फासले जाना इज्न रुखसत मुझे मिले जाना। तन्हाइयों से लड़ी वसवसों में जीती है, सब्र और तहमल से आपके वापस आने का इंतजार करती है, अब आए तो खामोशी में तो मुझे ना पाए। बोलिए जवाब दे, जवाब दे मुझे, हमेशा के लिए आए ना आप, पता है उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आए ना। तेरे तहरीन को नहीं छोड़ा नायला, ना ही मैं उसको छोड़ सकता हूँ। अफसोस तुम्हारे साथ किए हुए सारे वादे रेत पे लिखे हुए हरूफ थे, मोहब्बत की आंधी चली और सारे हरूफ मिट गए। मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे छोड़ दे, अकेले अंदाजा था मुझे नई नई जुदाई और नई नई तन्हाई को झेलना आसान नहीं होता। मैं जानता हूं क्योंकि मैं खुद इससे गुजर चुका हूं। एनीवे चलो कहीं बाहर चलते हैं। बाहर कहां? कहीं भी, अगर सुंदर से मिलने का मूड है तो उसके घर चले चलते हैं। नहीं, इस तरह जाना मुनासिब नहीं लगता, नई नई शादी हुई है, क्या पता कहीं घूमने फिरने निकले हुए हो। हाँ ये भी हो सकता है, तो क्यों ना ऐसा करें कि उन्हें यहीं बुला ले, फोन करो उसे। नहीं, कॉल करना भी अच्छा नहीं लगता, अभी कल ही तो हैदर सुंदस को लेकर आया था, दोबारा कॉल करके बुलाना मुनासिब नहीं, खुद से आना चाहे तो और बात है। डिनर पे चले, धानियाल मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। लॉन्ग ड्राइव? अच्छा ठीक है,
फिर ऐसा करते हैं कि यहीं खड़े खड़े बातें कर लेते हैं, इफ दैट्स कन्वीनियंट फॉर यू। ओह आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बैठने का कहा ही नहीं, प्लीज आओ बैठो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस वक्त मेरा यहां आना अच्छा नहीं, शायद मैं तुम्हारी तन्हाई में मुखल हुआ, मगर कोई बात नहीं, मेरी वजह से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आई अंडरस्टैंड यू, चलता हूं फिर आ जाऊंगा। दानियाल आई एम सॉरी। इसकी जरूरत नहीं, टेक योर टाइम, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा आप मेरी मामा के साथ वादा खिलाफी नहीं कर सकते, आपने उनसे जो वादे किए आपको वो पूरे करने होंगे। मुझे अपना पुराना घर वापस चाहिए बाबा, जिसमें मैं आप और मामा रहते थे, उस घर की खुशियां मुझे वापस चाहिए बाबा, बोलिए ना। समझ नहीं रहे बेटा, तुम्हें सुंदर सर तहरीन के लिए कर रहा हूं, उनका हक है। जैसा तुम्हारी माँ मेरी बीवी है, इसी तरह तहरीन भी मेरी बीवी है। जैसा तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ता है, इसी तरह सुंदर की रगों में मेरा खून दौड़ता है, मेरी बेटी है वो। वो दोनों आपका माजी है बाबा, मैं और मामा आपका हाल, आपका आने वाला कल। रिश्ते कभी माजी या कल नहीं होते बेटे, ये चीज तुम भी समझ लो, अपनी माँ को भी समझा दो। आप वादा खिलाफी कर रहे हैं शाह, आप अपनी जबान और अल्फाज से फिर रहे हैं। आपने कहा था कि आप सिर्फ मेरे शायान के, आप ये नहीं कर सकते। मामा प्लीज आप परेशान ना हो, मेरे होते हुए बाबा आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकते, उन्हें जो कहा है उन्हें पूरा करना होगा। अपनी माँ को झूठी उम्मीदें मत दिलाओ, जितनी जल्दी हो सके इस सच को तस्लीम कर लो, ये सबके लिए अच्छा होगा। और वो सच क्या है? सच ये है कि जितना मैं तुम्हारा हूँ उतना तहरीम का भी रहूंगा। शायान अगर मेरा बेटा है तो सुंदस भी मेरी बेटी है, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसको निभाना मेरा मकसद है। तो ठीक है, एक सच्चाई भी सुन ले। तहरीन जैसी औरत एक अधूरे एहतिशाम को बखुशी कबूल कर सकती, लेकिन मैं नहीं। मुझे पूरी मोहब्बत पूरी वफा के साथ मेरा शौहर चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तुम ज्यादती कर रही हो नायला। मैं आपकी और तहरीन की ज्यादती और जुल्म का जवाब दे रही हूँ। तो मुझसे मेरा एहतिशाम छीन रही है, मैं एहतिशाम से नायला और शायान छीन लूंगी। और याद रखिएगा, आप कभी हमारी शक्ल नहीं देख पाएंगे। बरस पहले तहरीन ने भी इस तरह की इज्जत की थी, उसका अंजाम क्या हुआ याद है ना? अंजाम तो बहुत खुशगवार होने जा रहा है, परसों पुरानी मोहब्बत की तजदीद हो रही है, एहद-ए-वफा दोहराया जा रहा है। मैं तो सिर्फ अपनी रही से इज्जत और मान बचाने की जंग लड़ रही हूँ। माँ बिल्कुल सही कह रही है बाबा, आपको फैसला करना ही होगा, सुंदस और तहरीन आंटी या फिर मैं और मामा। ठीक है, अगर यूं है तो फिर यूं ही सही, अगर ये जिद और अना की जंग है तो इस जिद और अना में तुम्हारा बाप सबसे आगे। तुम लोग मेरे साथ रहना चाहते हो या मुझे छोड़ देना चाहते हो ये तुम लोगों की मर्जी, लेकिन ये तय है कि मैं तहरीन को कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। बाजी नाश्ता ठंडा हो रहा है, अगर आप कहें तो मैं उन लोगों को बुला लूं। नहीं नहीं रहने दो, सुंदर तैयार हो रही होगी, उसने अपनी माँ से मिलने के लिए जाना है। ठीक है बाजी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो, खुश रहो। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी इस ड्रेस में। हैदर ने मेरी बच्ची की तारीफ की थी। तारीफ करने का मौका ही कहाँ मिला मामा। क्यों, कोई असाइनमेंट तैयार कर रहे थे क्या? आपकी बहू पूरी रात रोती रही और मैं ऐसे तसल्लियां देता रहा, सुबह हुई नहीं
कि मोहतरमा फिर से शुरू हो गई। अल्लाह खैर करे। सुदस क्या बात है बेटा? कुछ नहीं आंटी, आप तो जानती है ना कि आदम को मजाक करने की कितनी आदत है। जी नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। बताऊं मामा को कि रात को तुम कितना रोई हो? सुदस बेटा क्या बात है मुझे बताओ। मैं बताता हूँ मामा। सुंदस तहरीम आंटी की तनाई के ख्याल से बहुत अपसेट है। ये सोचती है कि जब हम अमेरिका मूव हो जाएंगे तो पीछे उनका ख्याल कौन रखेगा। मैं समझ में नहीं आया, अगर इसी तरह परेशान होती रही तो कहीं खुद बीमार ना हो जाए। अरे बेटा इस बात के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी बाबा को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम फिक्र मत करो। क्या करूं मुझे सिर्फ मामा का ख्याल है। उन्होंने तो कभी मेरे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं किया होगा। पर अब मैं इन चंद दिनों में उनसे इतना दूर चली जाऊंगी, सात समंदर पार, तब उनका ख्याल कौन रखेगा? उनकी तन्हाई कौन बांधेगा? आंटी जिंदा रहने के लिए कई बहानों की जरूरत होती है ना। अगर इंसान को जीने की कोई वजह ही ना नजर आए तो बेशक वो सांस लेता रहे लेकिन खुद को जिंदा महसूस नहीं करता। तुम्हारे बाबा ने क्या डिसाइड किया? बाबा तो मामा का सहारा बनना चाहते हैं लेकिन मामा ऐसा नहीं चाहते। वो कहती हैं कि उन्होंने नायला आंटी से अपना शौहर नहीं मेरे बाबा को उधार लिया, लेकिन वो वादा खिलाफी नहीं करना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि शायान और नायला आंटी बाबा के बगैर वैसी जिंदगी गुजारे जैसी हमने गुजारती। तुम्हारी बाबा बहुत जज्बाती होकर सोच रही है बेटा। अच्छा अगर तुम्हारे बाबा तुम्हारा और तुम्हारी मामा का सहारा बनना चाहते हैं तो ये तुम्हारी मामा का जायज हक है। और ये कहना कि उन्होंने तुम्हारे बाबा को कुछ अरसे के लिए उधार लिए ये कहना तो कतई ठीक नहीं है। बेटा रिश्ते उधार नहीं लिए जाते। तुमसे और तुम्हारी मामा से रिश्ता निभाना तुम्हारे बाबा का फर्ज है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मामा से बात करूंगी और तुम्हारे बाबा से भी और अगर हो सका तो नायला से भी। हम सब मिलकर इस मसले का हल तलाश कर लेंगे। चलो जल्दी से हंसो। थैंक गॉड मेरी नहीं तो कम से कम मामा की बात का तो असर हुआ तुमको। प्यारी बच्चियां बड़ों की बात फौरन समझ जाती है ना सुदस? चलें भाई अब ठंडा ठार नाश्ता करें। अब मैं गरम करवाती हूँ। साहिब सुदस क्या हो गया है तुम्हें? मेरी इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? यही तो तुम्हारे दिन है खुश रहने के मुस्कुराने के। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, कुछ समझाएं इसे। इसको आपके सेशंस की काफी जरूरत है। खुद तो टेंस रहती है, मुझे भी टेंस कर रखा है। सुंदर मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि इस घर की परेशानियां यही छोड़कर जाओ। क्यों मामा, क्यों ना परेशान हूं मैं आपके लिए? क्या एक मां की जिंदगी में बेटी का सिर्फ इतना सा रोल होता? ठीक है अब मेरे और हैदर के दरमियान एक नया रिश्ता कायम हुआ है और मैं इस रिश्ते की अहमियत को समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मेरा रिश्ता आपसे खत्म हो गया। अब ये बात हैदर को अच्छी लगे या बुरी लेकिन मैं आपके लिए फिक्रमंद होना नहीं छोड़ सकती। सुंदर सी किस तरह की बातें कर रही हो? आंटी सुंदर की इस बात के लिए मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। सुंदर सब मेरी जिम्मेदारी आपकी नहीं। अगर किसी बात पे सुंदर रूडली बिहेव करती है तो मैं उसको समझाऊंगा। आप परेशान मत हो। शुक्रिया बेटा, मुझे बड़ी खुशी हुई तुम्हारी इस मजबूत सोच पर। वैसे आंटी एक बात बताएं, आप हमारे साथ अमेरिका क्यों नहीं चलती? हाँ बिल्कुल नहीं बेटा, मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों क्यों नहीं जा सकती यार? आप सुंदस की मामा है तो एक तरह से मेरी भी माँ हुई ना। एक बेटा अपनी माँ को क्यों नहीं लेके जा सकता?
शुक्रिया बेटा, लेकिन लेकिन इस तरह तुम लोगों के साथ जाना ये किसी तो और अच्छा नहीं लगेगा। Why not मामा? क्या बुराई है उसमें? ठीक है अगर आप बाबा के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन कम से कम आपको हमारे साथ रहने में तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सुन बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें अचानक मेरे इस तरह अकेले रहने में परेशानी क्यों हो गई है। मैं सारी जिंदगी इस घर में अकेली रही हूँ और अल्लाह ने चाहा तो जितनी जिंदगी बाकी है वो भी यहाँ पे इत्मीनान से गुजर जाएगी। ऐसी क्या परेशानी हो गई? फिर कुछ अरसे बाद मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी और ऑफिस से घर आकर अपनी तन्हाई एंजॉय किया करूंगी। तुम लोग की याद आई तो स्काइप पे बात कर लिया करेंगे। तुम खामखा आने वाले वक्त का सोचकर इस कदर परेशान हो, मैं ठीक रहूंगी, बिलीव मी। अच्छा आंटी आप प्रॉमिस करें कि अगर आपको यहाँ पे जरा सी भी परेशानी है तो आप हमारे पास आने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। अच्छा ठीक है, अगर मुझे कोई परेशानी या ज्यादा तन्हाई महसूस हो तो मैं तुम लोगों के पास आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, और मीनवाइल मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखूंगा कि अगर जरूरत पड़े तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। Come on यार, थोड़ा सा तो मुस्कुराओ। अच्छा मामा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ख्याल से जाना, बाइक ध्यान से चलाना। जी मामा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, तुमने क्या सोचा था, तुम मना कर दोगी तो मैं नहीं आऊंगा? खुशी से अंदर आने की इजाजत दी उस पूरे को? मालूम नहीं, ये रास्ता खुशी और मजबूरी के दरमियान का ही कोई रास्ता है। और ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा ये मैं नहीं जानती। बहरहाल आओ। सुंदस। हाँ कल आई थी, हैदर के साथ आई थी, माशाल्लाह दोनों बहुत खुश हैं। माशाल्लाह अल्लाह ने खुशी रखे। अब मेरा पूछ रही थी, हर बात तुम्हारे बारे में तो बात करती है, उससे कोई भी बात करो तो जिक्र तुम्हारा ही निकल आता है हमेशा। क्यों ना आज शाम तुम और मैं उनके घर चलते हैं? चाय पियोगे? तुम्हारे आने से पहले मैं चाय बना रही हूँ। तो तुमने अपने लिए बनाई होगी। मैं और बना लूंगी। नहीं हम आती आती पी लेते। रुख़सत मुझे मिले जाना।
मुझे मिले जाना। क्यों तहरीर, ठीक कह रहा हूं। मुझे ख्वाब मत दिखाओ इंतजाम। दिन में ख्वाब देखने वाले रास्ता भी खो बैठते हैं और मंजिल भी। रब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, ना दिल में कुछ खोने का हौसला है और ना रोने का। मैं फैसला करके आया हूं तेरे, मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा ना एक बार फिर तुम्हें खोने दूंगा। बाकी तुम ना मुझे धोखा नहीं दे सकते। किस तरह तुम्हें समझाऊं एहतिशाम? वक्त ने समझा तो दिया है तुम्हें भी और मुझे भी। वक्त ने समझा दिया कि हम गलत थे। हमारा लड़ना झगड़ना रूठना अलग अलग रास्तों में चले जाना ये सब गलत था। मुझे ये बात समझ आ गई तेरी और मुझे यकीन है तुम्हें भी समझ आ गई होगी। हाँ एहतिशाम, मुझे भी ये बात समझ आ गई है कि हम जज्बाती पन में किए गए फैसलों की वजह से अपनी जिंदगी में किस कदर नुकसान उठाते हैं। मैंने बस खुदा से यही दुआ की थी कि मुझसे जो भी जिंदगी में गलतियां हुई हैं उसकी सजा मेरी बेटी ना भुगते, और खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। मेरी बेटी आज बहुत खुश है और उसकी इस खुशी की वजह से मैं बहुत खुश हूं। मुझे अब अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए तेरी। ये कैसे मुमकिन है दिशा? खेल खत्म हो गया है, शाम होने वाली है और कोई बहुत शिद्दत से तुम्हारे घर लौट जाने का मुंतजर है। ये दिल तुम्हारा मुंतजर। तहरीन, क्या ये नहीं हो सकता कि हम एक बार फिर एक दूसरे की जिंदगी में लौट आए? मैंने सोचा तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ऑफिस ले चलूं, वरना तुम तो घर बैठे बैठे खुद को जंग लगवा लोगी। पता है तुम्हारी और मेरी मिसाल बिल्कुल उस मशहूर गाने की तरह है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि तुम थोड़ी सी खपती थोड़ी सी पागल हो गई है ना? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि शायद मुझे फोन करके आना चाहिए था। नहीं दानियाल, तुम तो यहां कभी भी आ सकते हो। एहतिशाम भी बस अभी यहां आया है। एहतिशाम का क्या है भाई, उसका अपना घर है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूं तुम्हारे लिए। नहीं, मैं पहले ही लेट हो गया हूँ। बस ये पूछने आया था कि तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हो? शायद कल से। चलो, सी यू देन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज इत्तिशाम। खुदा हाफिज। Someone's looking pretty. Thank you. मामा कह रही थी कि तुम्हारी ढेर सारी तारीफें किया कर। क्या मतलब?
तुम मामा के कहने पर मेरी तारीफें कर रहे हो? दो काम साथ साथ हो जाएंगे, इसमें हर्जी क्या? बीबी की तारीफ भी हो जाएगी और मामा के हुक्म की तामील भी, एक तीर से दो शिकार। क्यों? हैदर, कितना अच्छा होना अगर मामा भी हमारे साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाए। उससे अच्छा ये होगा कि तुम्हारी मामा अपनी जिंदगी में तुम्हारे पापा को आने की इजाजत देते। तुम तो जानते हो ना मैंने कितनी कोशिश की कि मामा पापा फिर से एक हो जाए, एक दूसरे की जिंदगी में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां तक जा सकती थी मैं गई, लेकिन मैं हार गई। नहीं सुंदर, हम हारे नहीं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जाने से पहले मेरी और मामा की यही कोशिश हो कि तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी की जाए। माँ बाप तो अपनी औलाद का घर बसाने में हमेशा लगे रहते, लेकिन हम वो औलाद बनेंगे जो अपने माँ बाप का घर बसाएंगे। ठीक है, मैंने सोचा तो मैं जबरदस्ती अपने साथ ऑफिस ले चलूं, वरना तुम तो घर बैठे बैठे खुद को जंग लगवा लोगी। पता है, तुम्हारी और मेरी मिसाल बिल्कुल उस मशहूर गाने की तरह है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी कि तुम्हारी कॉल आ गई। और मैं तो जवाब में ये भी नहीं कह सकता कि दिल को दिल से राह होती है। क्यों? क्यों नहीं कह सकते? ऐसा क्या हो गया जो तुम ये बात कर रहे हो? Let it go। खैर, तुम कॉल क्यों करने वाली थी मुझे? कोई खास बात थी? नहीं, खास बात तो कोई नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। तुमने मुझे कॉल की, कोई खास बात थी, कुछ पूछना था? जो लोग बहुत खास होते हैं उनसे बेमकसद बेवजह बात करने को जी चाहता है। मैंने कभी भी तुमसे बात करने या मिलने के लिए प्लान नहीं किया, बस जब दिल चाहा या तो पहुंच गया या फोन कर लिया। अच्छा, अगर माइंड ना करो तो एक बात पूछूं? इस सवाल के बजाय अगर तुम मुझसे सीधी बात पूछो तो ज्यादा बेहतर है। एहतिशाम? दानियाल, एहतिशाम को माजी की यादें सताने लगी है। वो अब गुजरे हुए वक्त में जीना चाहता है और मेरे लिए अब माजी में जीना नामुमकिन है। वो ये समझना ही नहीं चाहता कि वो अब सिर्फ एहतिशाम अहमद नहीं रहा है, बल्कि अब वो नायला एहतिशाम का शौहर और शायान अहमद का बाप बन चुका है। एक बटे हुए शख्स का उसी बंटवारा करने का क्या फायदा? मेरा मशवरा मानो तो उसे मायूस मत करो। तहरीम अकेलापन बहुत तकलीफ दे होता है, काटने को दौड़ता है। अगर एहतिशाम तुम्हारे पास लौट कर आना चाहता है तो रास्ता दे दो उसे, मत रोको। वक्त की लहर ने यूं उजाड़ा था मेरी जन्नत भी, वही आशियाना था ये असासा था।
जिंदगानी का टूटने से इसे बचाना था। इसने रुखसत मुझे मिले जाना। क्या आपने मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तेरी मान जाएगी? मैं जानता हूँ उसको कैसे राजी करना है। लेकिन उसने वादा किया था सुंदर की शादी के बाद वो अपनी जिंदगी से निकल जाएगी। है वो जाना भी चाहेगी ना, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। और अगर मैं जाना चाहूँ तो? खो गई जिंदगी जीऊं कैसे, ज़ादेरा लुट गया है राहों में आज भी दूं, सदा पुकारूं मैं, है तू शामिल मेरी दुआओं में, तुझको खोने का हौसला नहीं, तू कमी कर मेरी सजाओं। चलें, फ्री हो गई हो? हाँ, अब तो फुर्सत ही फुर्सत है जिंदगी में। सुंदस के जाने के बाद तो जिंदगी की तस्वीर बिल्कुल ही खाली हो गई है, बस एक बेजान सा फ्रेम रह गया है। हर फ्रेम खाली होने पर एक नई तस्वीर मांगता है तेरी। तुम ये बात कब समझोगे? कैसे हो शाम? I'm fine. मैंने सोचा मैं तुम्हें पिक करता हुआ चला जाऊं। क्यों? अब मेरा मतलब है कोई काम था? हाँ, सुंदर से मिलना चाह रहा था। ठीक है, चलते। अच्छा, तुम लोग चलो, मैं भी जाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ चलो, उसको घर बुला लेंगे, गपशप लगेगी। तस्वीर बन रही है तेरी, उसे बनने दो। गुड लक। अंकल बताएं आप, मैं आपसे बहुत जेलस। अच्छा, बड़ी हैरत है। मैं तो इतना स्मार्ट और हैंडसम रहा नहीं कि तुम जैसे गुड लुकिंग लड़का मुझसे जेलस हो जाए। क्यों सुंदस? नहीं बाबा, आप तो आज भी हैदर से ज्यादा स्मार्ट और गुड लुकिंग। अंकल मैं लुक्स की बात नहीं कह रहा, बेशक आज भी आप मुझसे ज्यादा हैंडसम हैं। तो फिर क्या बात है, क्यों जेलस हो जाते हो मुझसे? बिकॉज सुंदस लव्स यू अ लॉट। ये आपसे इतनी मोहब्बत करती है कि मैं बेबस हो जाता। मुझे भी कोई तरीका बताए ना इसकी लव लिस्ट में नंबर वन आने के लिए। बेटे, जहां तक मोहब्बत की बात है तो मैं इसकी इतनी ज्यादा मोहब्बत के काबिल नहीं। मोहब्बत के मामले में मैं अपनी बेटी का हमेशा मकरूज रहूंगा। और रही बात नंबर वन होने की, तो इसके लिए नंबर वन हमेशा तुम रहोगे। बाप भाई साहब, क्या खूब बात कही है आपने। अब माफी चाहूंगी अगर आपको ये जातियात में दखल अंदाजी ना लगे, तो हम सबकी ये ख्वाहिश है कि तहरीन बहन और आप आपस के इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाए। आप दोनों ही सुंदस को खुश देखना चाहते हैं ना, तो सुंदस की भी दिली खुशी यही है कि उसके मां बाप एक साथ हो। हाँ,
दो बीवियों को ओन करना और उनके दरमियान इंसाफ करना इतनी मुश्किल बात भी नहीं, और हमारा दीन भी तो इसी का हुक्म देता है ना? I'm sorry. Excuse me. प्लीज बाबा, प्लीज मान जाए। हाँ भाई साहब, आप मान जाइए ना, तहरीम को हम सब मना लेंगे। मामा ना जाए, मामा मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मामा शायान, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को रो देना चाहिए, वहां से वो काम करते हैं जो अल्फाज नहीं कर पाते, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां आंसू इंसान के लिए शिकस्त बन जाते हैं। ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त मजबूत बनने और हौसला करने का है। अगर आज हम माँ बेटा एक दूसरे के शाने पर सर रख कर रोते रहे ना, तो सारी जिंदगी एक दूसरे के आंसू पोंछते रहेंगे। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नानू के घर जा रही है तो मैं यहाँ अकेला क्या करूंगा? बाबा की सजा यही है कि हम इस घर से चले जाएं और वो यहाँ बिल्कुल अकेले रहें। यही तो बात है कि वो अकेले नहीं है, वो दुश्मन से जा मिले हैं। बेचार, लेकिन तुमने यहाँ रहना है और रहना पड़ेगा। यहाँ रहकर मजबूती से माँ की जंग लड़नी। मेरा यहाँ से जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप को प्रेशराइज करना है। उस औरत के लिए मैदान खाली करना मेरा मकसद नहीं है। तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, इतना हौसला और बर्दाश्त नहीं है मुझ में। लेकिन कुछ वक्त की जुदाई तुम्हारे लिए, मेरे लिए, इस घर के लिए बेहतर है। तुम समझ रहे हो ना? तब लौट कर आऊंगी जब तुम्हारा बाप उस औरत को छोड़ने का वादा करेगा। प्लीज हेल्प। इज़्ज़त रुख़सत मुझे मिले जाना।